हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वाति बाटला. आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी इन वीएमसी एनएसपी, दैट इज हेड ऑफिस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पी ब्लॉक. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत स्कोरिंग भी है. मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. एज सच एनसीईआरटी करोगे तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. रिसेंटली अगर हम क्वेश्चन देखें तो जेईई मेंस 2020 हम देख चुके हैं कितने क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन आए थे. और जेईई मेंस 19 में देखें तो 11 क्वेश्चन हमारे जनवरी में आए थे और 5 क्वेश्चन हमारे आए थे जेईई मेंस 2019 अप्रैल में. तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. और अगेन आई एम सेइंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन स्टिल बहुत लोग कर लेते हैं, बट पी ब्लॉक डी ब्लॉक ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर एट द एंड पी ब्लॉक रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ऐसा लगता है जैसे इतना वास्ट टॉपिक है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें. क्लियर. तो कैसे पढ़ना है पी ब्लॉक, आज हम मेनली वो देखने वाले हैं. क्लियर. टॉपिक रिएक्शंस कैसे मेमोराइज करनी है, कैसे हम इतने बड़े पी ब्लॉक को कंसाइज कर सकते हैं, तो हमारा आज मेन मोटिव ये होगा. देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ सम जनरल पॉइंट्स फॉर पी ब्लॉक जो हमारे पूरे पी ब्लॉक में काम आएगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोलिसिस. तो देखो हाइड्रोलिसिस देखते ही सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है. क्लियर. तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि वॉटर के साथ रिएक्शन, पानी के साथ जो रिएक्शन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस. क्लियर. अब नेक्स्ट क्या आता है कि वॉटर के साथ हाइड्रोलिसिस कौन दिखा सकता है, क्या कंडीशन होगी हमारी हाइड्रोलिसिस की. ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाएगा. क्लियर. तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी हाइड्रोलिसिस की, कि प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल. ध्यान से सुनना, बस तीन क्वेश्चन होते हैं हाइड्रोलिसिस को लेकर. पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि एक खाली ऑर्बिटल हो. क्लियर. खाली ऑर्बिटल हो क्यों, ताकि पहला स्टेप क्या होता है हाइड्रोलिसिस में, अटैक ऑफ वाटर. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3, तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ये वाटर आके अटैक करता है BCl3 पर. क्लियर. तो अगर इसके पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो अटैक कैसे होगा, राइट. तो फर्स्ट क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल. क्लियर. और नेक्स्ट क्या होता है बेटा, स्टीयरिक क्राउडिंग, कि देयर शुड नॉट बी स्टीयरिंग क्राउडिंग. क्योंकि अगर पहले से स्टीयरिंग क्राउडिंग, लाइक इफ आई एम सेइंग SF6, सल्फर ने 6 बॉन्ड पहले से ही बनाए हुए हैं, तो 7th बॉन्ड वाटर जो होगा वो कहां से बनाएगा. एम आई क्लियर. तो इसका मतलब क्या पॉइंट क्लियर हुआ, कि SF6 की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. और अगर खाली ऑर्बिटल नहीं हुआ लो एनर्जी का, तो उन कंपाउंड्स की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट CCl4. कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, पानी कहां पर आके अटैक करेगा, नो हाइड्रोलिसिस. सिमिलरली NF3, नाइट्रोजन के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा. तो पहला क्वेश्चन तो सीधा आ सकता है कि इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइज होंगे. क्लियर. तो क्या देखना है, उनके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, राइट. पहला क्वेश्चन क्या हाइड्रोलिसिस होता है, नेक्स्ट क्या कंडीशन होगी हाइड्रोलिसिस की, और तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा ऑन हाइड्रोलिसिस. जैसे अब हमने नेक्स्ट देखा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. अब इतनी रिएक्शंस होती है पी ब्लॉक की, नो नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी रिएक्शन, तुम कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा बल्क हो जाएगा. तो उसको समराइज करने के लिए हमने क्या किया, एक समरी बना ली. तो यू हैव टू प्रिपेयर समरी ऑफ पी ब्लॉक. जैसे सबसे सिंपल पहला पॉइंट जो बहुत आता है कि ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस. ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, क्या बनेगा, वी विल गेट ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बोला है हमने, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग N2O5 की हाइड्रोलिसिस किया, क्या बनेगा, तो ध्यान रखना हमें क्या मिल जाएगा, HNO3. क्लियर. N2O5 की हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाएगा, वी विल गेट HNO3. इज इट क्लियर. प्लस 5 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड.
सिमिलरली नाइट्राइड में पानी डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया। कोई भी नाइट्राइड ले लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, हमेशा क्या बनेगा, अमोनिया। किसी भी परोक्सो कंपाउंड में पानी डालोगे क्या मिलेगा, H2O2। क्लियर। फॉस्फाइड में वाटर डाला क्या मिलेगा, PH3। सिमिलरली हेलाइड्स में पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सी एसिड ऑफ अगेन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे BCl3 में पानी डाला तो क्या मिल गया, H3BO3। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्बाइड है। लाइक इफ इट इज मीथेनाइट तो क्या मिलेगा, मीथेन। एंड इफ इट इज क्या गया, जैसे हमने बोल दिया CaC2, CaC2 में पानी डालने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, C2H2। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज सल्फाइड्स में पानी डाला तो क्या बनता है, H2S। तो हमें ऑलमोस्ट हाइड्राइड्स भी बनाने आ गए। नाइट्राइड में पानी डाला अमोनिया बन गया, फॉस्फाइड में डाला PH3 बन गया, सल्फाइड में डाला H2S बन गया, और ऑक्सी एसिड भी बनाने आ गए। ऑक्साइड में पानी डाला तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलाइड में वाटर डाला तो क्या मिल गया, ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर। तो हमें HNO3, H3PO4, H2SO4, ऑलमोस्ट जितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो सब बनाने आ गए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स की जो प्रिपरेशन थी, अरे वो तो इजी हो गई। और इसी टाइप से ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस, उनकी एक रिएक्शंस पढ़ ली। क्लियर। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रिएक्शन जल्दी आंसर आना चाहिए, N2O5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल गिव HNO3। क्लियर। N2O3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल गिव HNO2। NO2 अब आएगा कि NO2 में तो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 4 का तो कोई ऑक्सी एसिड ही नहीं होता, तो इस केस में क्या बन जाएगा, इट विल गिव HNO2 प्लस HNO3। ध्यान रखना ये क्या देता है, ये दे देता है हमें मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड। क्लियर। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो तो हमेशा एवरेज रूल लग जाता है, मतलब प्लस 4 है तो प्लस 3 और प्लस 5 दोनों बन जाएंगे। क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Cl2O7, सीधा आ जाएगा बेटा पानी डालने पर HClO4। ये हम नेक्स्ट पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट तुम्हें रिएक्शंस पहले से आती हैं, हाइड्रोलिसिस अब तुम लोग कर लोगे। इज इट क्लियर। अब आ गए हैलाइड्स, BCl3 में वाटर डाला तो क्या आ जाएगा, H3BO3। क्लियर। जिसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसी का ऑक्सी एसिड बन जाएगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, प्लस HCl। फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड, इट विल गिव H3PO4 प्लस HCl। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या आ गया, नाइट्राइड, आई थिंक इट इज क्लियर, अमोनिया तो बनेगा, साथ में हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन आई थिंक आ गए। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस का। इज इट क्लियर। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ये 2019 का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस। अब देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है, तो सीधा आंसर दिख रहा है क्या, क्या कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अब एक चीज और जो इसमें मिस हो गई, हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाते हैं जिनमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें, मतलब जिन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस पूरी नहीं हो पाती, जैसे हम ग्रुप वाइज अगर चलें, सबसे पहले ग्रुप 13 में जो आता है बेटा वो आ जाता है BF3। BF3 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पर हमारा प्रोडक्ट बनता है H3BO3 प्लस HBF4। सिमिलरली क्लियर, SiF4, इसकी भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्लस H2SiF6। क्लियर। तो यहां पर हमारी क्या हो रही है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब BF3 पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि HBF4 बन गया, समझ आया। H3BO3 कैन रिएक्ट विद HF टू फॉर्म HBF4।
समझ आया? अब क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि BCl3 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती, वो तो पूरा हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो उसका भी रीजन है क्या कि HBCl4 जो होगा बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टीयरिक फैक्टर, क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रुप 15 में पार्शियल किसकी होती है, ग्रुप 15 में आ जाएगा BiCl3, इसकी भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है और ये क्या बना देता है BiOCl, इसका क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, जस्ट लर्न इट, क्लियर? क्या बना देता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बना देता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि इसकी पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। नेक्स्ट SbCl3, SbCl3 की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा SbOCl, अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्लियर? तो हमें ये जो एग्जांपल है ये ग्रुप 13 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ग्रुप 14, ग्रुप 15, इज इट क्लियर? और एक राइट PCl5, ध्यान रखना इसकी हाइड्रोलिसिस में पहले क्या बनता है POCl3 और फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये बन जाता है बेटा H3PO4, इज इट क्लियर? पहले क्या बनता है, पहले स्टेप में POCl3, मतलब अगर कोई बोले लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर तो POCl3 बनेगा, एक्सेस में तो तुम्हें पता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या बन जाएगा H3PO4। और इसी टाइप से कुछ ज़िनॉन के कंपाउंड्स भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जहां पर हम ज़िनॉन के केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हमारा एक पार्ट हो गया दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई थिंक सब पढ़ चुके हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा होता क्या है, जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं मतलब ग्रुप 13, 14, 15 बोरॉन से थैलियम की तरफ आते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि हाईएस्ट माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्लियर? ऐसा होता क्यों है कि वाई हाईएस्ट माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। जैसे अगर यहां पर मैंने बोला बेटा प्लस थ्री, तो यहां पर जो होती है वो हमारी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो उसका रीजन क्या होगा, क्या रीजन होता है, जैसे हम बोरॉन से थैलियम की तरफ आते हैं तो यहां पर देखो ये क्या हो गया हमारा 2s2 2p1, क्लियर? बोरॉन से हम थैलियम की तरफ आ रहे हैं, सिमिलरली कार्बन से हम गए लेड की तरफ, कार्बन वाली कहानी देख लो, यहां पर क्या हो गया 2s2 2p2, ये 3s2 3p2, क्लियर? और ये क्या आ गया 6s2 6p2। तो होता क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स, अंदर जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा लगता है, एंड ड्यू टू जेड इफेक्टिव, जैसे ही जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, खुद सोचो पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो बाहर वाले ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इज इट क्लियर? और अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 6s और 6p में होता क्या है, 6s वाले ऑर्बिटल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू 6p, पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्लियर? और जैसे ही 6s वाले ऑर्बिटल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंदर, तो उससे क्या होगा, वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्लियर? और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आया? अब क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते, तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है, जब बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा याद करो पुरानी बातें, जब बॉन्ड बनता है तो दो एनर्जी होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में जो एनर्जी लगती है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि मुझे CH4 बनाना है, तो तुम बोलोगे कि पहले हमें इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा, क्लियर? और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये भी एक टाइप का एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं कि पहले एक एक्साइटेशन और उसके बाद एक्सपेंडिचर हमारा किस पे लग रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद जब बॉन्ड बनता है, जब ये बॉन्ड हाइब्रिडाइज होने के बाद जब ये बॉन्ड बनाता है H के साथ, क्लियर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो अगर हमारा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो वो बॉन्ड बन जाता है। अब यहां क्या दिक्कत है, यहां पर क्या दिक्कत आएगी, एस ऑर्बिटल ज्यादा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पेनिट्रेट हो गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, एक्साइट कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्लियर? और ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये रीजन है
कि बोरॉन से जब हम थैलियम की तरफ आते हैं तो 3-1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, क्यों? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली कार्बन से जब हम लेड की तरफ आते हैं तो +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, अगेन द सेम रीजन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो रिसेंटली क्वेश्चन क्या आए थे, क्वेश्चन क्या आया था हमारा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, जितना हम डाउन ग्रुप आएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, इन कॉन्ट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3, तो रीजन क्या हो जाएगा, अरे कोई डाउट ही नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ आया, ये दोनों क्वेश्चन 2019 के आए हुए हैं, तो हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज एक बार इसको फिर से रीड कर लेना। समझ आया क्या है, सिंपल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट किससे आया कि जितना हम नीचे आते हैं डाउन अ ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ हायर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ज्यादा क्यों है, इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एंड ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं, मेनली जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 13, 14, 15, तो देखो मेन केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले आ गया बोरॉन, तो बोरॉन के बारे में क्या ध्यान रखना है, मेन जो ध्यान रखना है कि इट हैव B12 आइकोसाहेड्रा यूनिट्स। आइकोसाहेड्रा का मतलब क्या हो गया, द वन विच हैज 20 फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स। क्लियर? इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं देखना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। देखो इसमें एक दो प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आ गया हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या बोल रहा है कि जितना हम डाउन अ ग्रुप आएंगे साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। क्लियर? बट एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में तुम देख सकते हो डेविएशन है, क्या रीजन हो जाएगा, समझ आया? जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं होता क्या है, जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर डी इलेक्ट्रॉन, गैलियम के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है जिसकी वजह से गैलियम का साइज कुछ छोटा होता है। क्लियर? तो हमें क्या याद रखना है, एक तो हमें ये एटॉमिक रेडियस याद रखना है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आ गई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? उसका बहुत इरेगुलर सा बिहेवियर आता है, जैसे जैसे हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो नो डाउट आयनाइजेशन कम होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। क्लियर? और जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन कुछ बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गैलियम का साइज छोटा है जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और फिर गैलियम से इंडियम की तरफ आएंगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आयनाइजेशन कम होगी क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और फिर हम गए थैलियम की तरफ, थैलियम की तरफ जाएंगे तो फिर से आयनाइजेशन बढ़ जाती है, बोरॉन से कम होती है। क्लियर? तो ये कुछ डब्लू टाइप कर्व बनता है, इज इट क्लियर, समझ आ गया? तो इस केस में क्या रीजन होगा, थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम गैलियम से ज्यादा है, उसका रीजन सिंपल जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। तो हमें ये दो ऑर्डर हैं जो याद रखने हैं। क्लियर? आयनाइजेशन तो देख सकते हो पहला क्या था 801, 801 से कम हुआ 577, देन क्या आ गया 579, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया 558, अरे और कम हो गया, और फिर ये आ गया 589, बोरॉन से तो कम है लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा है। इज इट क्लियर? मेनली ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना। इसके बाद हम आगे देखें, नेक्स्ट आ गया रिएक्शंस ऑफ बोरॉन। देखो सबसे सिंपल है, इसको समरी बना लो, समरी बना के लर्न करो, जैसे बोरॉन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, अरे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड ही बनेंगे, क्लियर, मेटल के साथ मेटल बोराइड्स, अरे समझ आ गया, ऐसे करोगे तो याद रहेगा, हेलोजन्स के साथ, अरे BX3, क्लियर, ट्राइवेलेंट ही बनाएगा। बोरॉन जो हमारा एसिड्स के साथ होता है जनरली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉन्केचनो 3 के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, बोरिक एसिड। HNO3 हियर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 खुद रिड्यूस हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट आ गया बोरॉन की रिएक्शन विद एन टू, एन टू के साथ क्या बन गया बी एन, समझ आया, और मेनली NaOH के साथ ये क्या बन गया Na3BO3, क्लियर। और भी इसमें कुछ रिएक्शन दी हुई है बट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी आ गई अभी मेन्स के लिए, एक आ गया हमारा ऑक्साइड, इसी टाइप से बोराइड और हमारा हैलाइड, और ये क्या आ गया, इज इट क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, दैट इज डाइबोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का। देखो बोरॉन की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक डाइबोरेन, बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, तो इन तीन कंपाउंड को हम आज डिस्कस करने वाले। डाइबोरेन थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग की भी पुरानी याद है, क्या होता है इस केस में BH3 का डाइमर होता है, इट इज B2H6, इज इट क्लियर, तो इट इज डाइमर ऑफ BH3। सबसे पहले BH3 डाइमर क्यों बनाता था, क्योंकि BH3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, BH3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो बैक बॉन्डिंग तो नहीं कर सकता था, इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या करता था, दूसरे BH3 के साथ मिलके डाइमर बना लेता था, क्लियर। तो इसने क्या बना दिया, B2H6। अब देखो देखने में ये लग रहा है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने दो बॉन्ड कैसे बनाए हुए हैं, होता क्या है इस केस में हमारा जो बॉन्ड बनता है, जैसे अगर हम देखें तो इस केस में जो बोरॉन है इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, क्लियर, और एक और बोरॉन आया और इसके पास भी खाली ऑर्बिटल है, यहां पर क्या हुआ है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, जो हाइड्रोजन वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हुए, समझ आया, तो एक टाइप से इन्हीं इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, इज इट क्लियर, जो ये वाला जो हमारा BH बॉन्ड है, इसी यही हमारा बॉन्ड क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड की शेयरिंग से ये क्या बन गया हमारा, ब्रिज बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन टू बोरॉन, और एक हमारा इसने क्या बना दिया, पूरा बॉन्ड बना दिया, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन, जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड होता है, इस हम नॉर्मल बॉन्ड को बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दो सेंटर हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अगर हम ब्रिज बॉन्ड की बात करें तो ब्रिज बॉन्ड में क्या हो जाएगा बेटा, तीन न्यूक्लियस है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इट इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्लियर। ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, तीन सेंटर है लेकिन दो ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो यही दो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तीन न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अभी तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन, तो कितने आ जाएंगे, टू, इज इट क्लियर, दो ब्रिज बॉन्ड है, समझ आया। तो होता क्या है, एक ब्रिज बॉन्ड हम बोल सकते हैं अबव द प्लेन है और एक ब्रिज बॉन्ड बिलो द प्लेन है, एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया, डाइबोरेन में क्या हमारा एग्जिस्ट करता है, ब्रिज बॉन्ड, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ गया, इट इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, अरे कोई दिक्कत ही नहीं, एक ब्रिज बॉन्ड ऊपर होता है एक ब्रिज बॉन्ड नीचे होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन, मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, छह, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया एक नीचे आ गया। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, यस, इट इज अगेन अ लुईस एसिड, समझ आया, क्यों, क्योंकि समझ आया क्यों अभी भी लुईस एसिड है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ओवरकम नहीं हुई है, ये ही दो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग हो रही है, अलग से बॉन्ड नहीं बना है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स, समझ आया, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन थ्री सेंटर, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्गर तो है, ये तो दिख भी रहा है, तीन सेंटर के बीच में बना हुआ है, और एक पॉइंट देख सकते हैं, अगर तुम बॉन्ड एंगल विजुलाइज करो, जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल है बेटा, दैट इज 97 डिग्री, क्लियर, और जो हम बाहर वाला बॉन्ड एंगल देख रहे हैं दैट इज 120 डिग्री। अब एक चीज पुरानी याद करो, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा इस करेक्टर होगा, परसेंटेज ऐसा उतना ही ज्यादा होगा। अरे कैसे, जैसे मैंने बोला कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp में परसेंटेज एस करेक्टर इज 50% और sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर इज 33%। तो अगर एस करेक्टर ज्यादा है
तो बॉन्ड क्या था, छोटा। और इस केस में एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड क्या है, लंबा। और याद करो sp3 25% एस करेक्टर, समझ आया? 25% एस करेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये वाला बॉन्ड क्या था, सिंगल बॉन्ड, ये क्या था, डबल बॉन्ड, और ये क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक चीज विजुलाइज हो गई, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वो उतना मोटा और छोटा होगा, क्लियर। तो अब इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा क्या है, 97 डिग्री। तो इसका मतलब 97 से एक चीज याद आ रही है कि यहां पर एस बहुत कम होगा और मैक्सिमम इसमें कौन सा करेक्टर होगा, पी करेक्टर। अरे याद करो एक था कि अगर कहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 होता है, क्लियर। तो मतलब ये 90 के आसपास है तो यहाँ पर पी करेक्टर ज्यादा होगा, अरे समझ आया? और पी करेक्टर ज्यादा हुआ तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, लंबे होंगे, इज इट क्लियर। तो ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर, लॉन्गर तो दिख ही रहा है, और वैसे भी देख सकते हो एज अ ब्रिज बॉन्ड काम कर रहे हैं, दो बॉन्ड यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्गर ही आ रहे हैं, क्लियर। एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एज वेल। अब हमारी फिर से पुरानी केमिस्ट्री अलग हो रही है, पहले क्या होता था, कोई बॉन्ड लंबा है तो वो वीकर होता था और कोई बॉन्ड छोटा है तो वो स्ट्रॉन्गर होता था। अरे याद होगा जितना लंबा होगा उतना वीकर होता था, लेकिन वो जो केमिस्ट्री थी वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के लिए थी, क्लियर। यहां पर हमारा क्या है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इस टाइप से सोच सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस संभाल रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस संभाल रहे हैं। तो कब ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जब उन दो इलेक्ट्रॉन को तीन न्यूक्लियस संभाल रहे होंगे, क्लियर। तो हम इतना बोल सकते हैं कि ब्रिज बॉन्ड लॉन्गर भी है, लॉन्गर तो समझ आ गया, एस करेक्टर छोड़ो वैसे भी समझ आ गया। हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि दो बॉन्ड है तो बॉन्ड, दो बॉन्ड यहां पर देख सकते हो कि ब्रिज बॉन्ड लॉन्गर ही होगा टर्मिनल से, और स्ट्रॉन्गर भी है। स्ट्रॉन्गर कैसे है, क्योंकि थ्री सेंटर, समझ आ गया, टू इलेक्ट्रॉन, तीन न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे, तो एक टाइप से हॉर्लिक्स टाइप बॉन्ड हो गया, लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्लियर। तो हमारा डाइबोरेन समझ आ गया, डाइबोरेन के बारे में फिर से एक बार बातें देखें, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इट इज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अभी बस मॉलिक्यूल की बात हुई है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, क्या आ जाएगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, sp3, चार बॉन्ड बने हुए हैं, क्लियर। तो बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 तो वैसे ही नॉन प्लेनर होते हैं, अब तो और क्लियर हो गया, क्लियर। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन, एक ही पेज में पूरी समरी है, देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इस केस में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रिपरेशन, तो जब हमें B2H6 बनाना है तो सबसे पहले जो मैंने यूज किया, हमने क्या यूज किया, BF3, एक बोरॉन ट्राइहैलाइड लिया और मैंने उसकी रिएक्शन करा दी LiAlH4। हम देखो याद मत करो, सिंपल एक याद रखो कि जब मुझे B2H6 बनाना है तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे हाइड्राइड यूज करने है, क्लियर, हाइड्राइड यूज करने है। इस केस में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ विजुलाइज कर सकते हो कि H- कुछ इस पर अटैक कर रहा है, जो मैंने कुछ ऐसे याद रखा हुआ है कि H- इस पर अटैक करता होगा, BH3 बनता होगा और उसका डाइमर बन गया B2H6। हमें तो इतना सोचना ही नहीं, तो इसलिए याद रखने के लिए जहां तुम्हें हाइड्राइड दिख जाए कि बोरॉन कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ आ रही है, हमें हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एग्जाम में ये नहीं आते कितने मेथड्स हैं B2H6 बनाने के, वो सीधा आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर B2H6, या फिर वो एक रिएक्शन दे देगा कि इस रिएक्शन में B2H6 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहली रिएक्शन समझ आ गई, BF3 प्लस LiAlH4। नेक्स्ट BF3 के साथ मैंने दूसरा हाइड्राइड ले लिया NaH, क्या फर्क पड़ता है, हाइड्राइड का ही काम कर रहे हैं। और जो तीसरी रिएक्शन है दैट इज NaBH4 प्लस I2, क्लियर। तो इन तीनों रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है, B2H6, क्लियर। तो ये तीनों हमारी क्या है, दीज थ्री आर प्रिपरेशन ऑफ B2H6, इज अ क्लियर। नेक्स्ट क्या आ गया, B2H6 की रिएक्शन विद HCl क्या बन रहा है, इट गिव्स B2H5Cl। B2H6 के रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स। B2H6 के रिएक्शन विद RCH डबल बॉन्ड CH2 तो क्या आ जाएगा, एल्कोहल्स। अरे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद होगा पढ़ा था, जो हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ते थे,
नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ B2H6। ये तो याद ही रख लो, हाइड्रोलिसिस में जनरली हमारा बोरिक एसिड बनता है, जहां पानी डालोगे बोरिक एसिड बनेगा। अब स्टार्टिंग में पानी से ही शुरू की थी हमने हाइड्रोलिसिस से, क्लियर। B2H6 की रिएक्शन विद LiH, तो ये क्या बन गया, LiBH4। इज इट क्लियर? अब जो मेन रिएक्शन है बेटा, अमोनिया के साथ और NME3 के साथ, यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है, हियर अमोनिया एक्ट एज अ बेस और B2H6 एक्ट एज अ एसिड। तो ये क्या रिएक्शन हो गई, नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई, जैसे बॉन्डिंग में पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से, याद होगा BH3 की रिएक्शन अगर मैंने करा दी बेटा अमोनिया के साथ, तो याद होगा क्या होता है, अमोनिया इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता है, लुईस एसिड, लुईस बेस एडक्ट बन जाता है। तो यहां कुछ वैसे ही रिएक्शन है कि अमोनिया आया, तो अमोनिया आया NME3 आया, क्लियर। कितने बोरोन है, दो बोरोन है, तो कितने लुईस बेस आएंगे, दो लुईस बेस आएंगे। तो अगर हम रिएक्शन देखें, एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अगर हम स्ट्रक्चर पर जाएं तो देखो, जब लुईस बेस आता है तो दो टाइप की क्लीवेज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि कुछ इस टाइप से क्लीव कर गया, क्लियर, और एक बोरोन यहां आ गया और एक बोरोन यहां आ गया, क्लियर। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकली मतलब सिमेट्रिकल क्लीव हो गया, दोनों लुईस बेस अलग अलग बोरोन पर गए। ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा अगर हमारा लुईस बेस बल्की है, बल्की लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, तो ऐसी रिएक्शन होगी। क्योंकि खुद सोचो, अगर तो बल्की लुईस बेस आ गए तो दोनों एक पर नहीं आ पाएंगे, समझ आया, नहीं आ पाएंगे, अरे हिंड्रेंस। लेकिन अगर छोटा बेस आ गया जिसका साइज छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक ही पर आ गए, और दोनों एक ही पर आ गए तो कुछ ऐसे क्लीव कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, क्लियर। तो B2H6 दो टाइप की रिएक्शन दिखाता है, एक आ गया हमारा सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक आ गया हमारा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, क्लियर। तो NME3 एक बल्की बेस है, बल्की बेस है, तो इस टाइम जो हमारी रिएक्शन होगी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब हमारी यहां पर रिएक्शन होगी तो कैसे होगा, दोनों अलग अलग बोरॉन पर जाएंगे, इज इट क्लियर। तो इस टाइम जो रिएक्शन है वो क्या होगी, कुछ ऐसे क्लीव करेगा, तो क्या बन गया, 2BH3.NME3, क्लियर। दो अलग अलग कंपाउंड बन गए, सिमेट्रिकली क्लीव हुआ है। सिमिलरली CO के साथ भी ऐसी रिएक्शन होती है, सिमेट्रिकली क्लीव करते हैं। और इनफैक्ट एक एग्जांपल और लिख लो, THF के साथ भी बेटा सिमिलर रिएक्शन होगी, क्लियर। अब अगर मैं ले आई अमोनिया, अमोनिया के केस में क्या होगा, अमोनिया के केस में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, क्योंकि अमोनिया का साइज क्या है, छोटा है। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों के दोनों अमोनिया इधर आ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ चले गए। जैसे दोनों हाइड्रोजन एक तरफ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले गया, तो ये क्या बन जाएगा, BH4-, क्लियर। और यहां पर क्या आ जाएगा, समझ आया, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो क्या आ गया, BH2+, और दोनों अमोनिया इस बोरॉन के पास आ गए, इज इट क्लियर। तो हमें एक रिएक्शन समझ आ गई कि B2H6 दो टाइप की क्लीवेज दिखाता है, एक हो गया हमारा सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, कि सिमेट्रिकली क्लीव हुआ है, दोनों बोरॉन के पास एक एक लुईस बेस चला गया। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, कि दोनों बोरॉन के दोनों लुईस बेस एक ही बोरॉन के पास आए हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ये कौन सा एग्जाम्पल होता है, ये आता है अगर हमारा छोटा लुईस बेस हो, क्लियर। अब हम अगर इसको फर्दर हीट करते हैं तो एक और रिएक्शन आ गई हमें, दैट इज B3N3H6, क्लियर। एक अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इज इट क्लियर, समझ आया। तो हमें एक टाइप से इनऑर्गेनिक बेंजीन की भी प्रिपरेशन आ गई। तो B2H6 से ऑक्साइड बनाना, ये तो रिएक्शन पुरानी पढ़ते आ रहे हो। एंड हाइड्रोलिसिस से याद रखो, पानी डालते हैं तो जनरली बोरिक एसिड बनता है। ये हमारी जो मेन रिएक्शन आ गई है, तीनों रिएक्शन विद लुईस बेस, क्लियर। ये रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, इज इट क्लियर। तो B2H6 इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, रिसेंटली इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ आ गया। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं B2H6 पर। देखो पहला क्वेश्चन,
डाइबोरेन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विद O2 एंड H2O2 प्रोड्यूस, आई थिंक कोई डाउट ही नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड और वाटर के साथ H3BO3, क्लियर? द नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, अरे ये तो हमारा ही क्वेश्चन आ गया, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मतलब नॉर्मल बॉन्ड कितने थे, 4, 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन दो ब्रिज बॉन्ड थे, तो क्या आ गया आंसर, 2 एंड 4, 2 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन समझ आ गया ना, टर्मिनल बॉन्ड जो बाहर बने हुए थे, एक टाइप से इन बॉन्ड्स की बात हो रही है, टर्मिनल बॉन्ड्स, क्लियर? सिंपल था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 एंड 2, क्लियर? और यहां भी हमें समझ आ गया B2O3 एंड H3BO3, तो ये हमारा हो गया B2H6। तो बेटा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? उसके रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्लिक्स टाइप इसका ब्रिज बॉन्ड होता है, क्यों बनाता है ये डाइमर, अपनी डेफिशिएंसी ओवरकम करने के लिए, बट डाइमर बनाने के बाद भी उसकी डेफिशिएंसी ओवरकम नहीं होती, इट इज स्टिल अ लुईस एसिड। और वो कैसे प्रूव हुआ, हमने उसकी रिएक्शन करा दी लुईस बेस के साथ, और क्या आ गया, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन हो गई, इज इट क्लियर? ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, H2O के साथ बोरिक एसिड बनाता है, और इसके रिएक्शन विद लुईस बेस, क्लियर? अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड, ये बस एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, बोराजीन और बीएन का, डेट इज बोरॉन नाइट्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं, जो पहला कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। रीजन, बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बेंजीन, क्लियर? कंप्लीट साइक्लाइजेशन, कंप्लीट रेजोनेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगेन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, समझ आए? तो कई बार ऐसी टर्म्स आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट एंड सो ऑन, क्लियर? बस इसके स्ट्रक्चर देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बोरिक एसिड। ऑल दो इसकी प्रिपरेशन तुम पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, ऑक्साइड में वॉटर डाला बोरिक एसिड बन गया, तुमने बोला BCl3 में पानी डाला फिर से बोरिक एसिड बन गया, B2H6 में वाटर डाला बोरिक एसिड बन गया, प्रिपरेशन सबको आती है, क्लियर? अगेन इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे क्या हो गया, BOH होल थ्राइस, लेकिन जो इसका सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर क्या बना देता है बेटा, एक शीट बना लेता है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो देख सकते हो, एक बोरिक एसिड और दूसरे बोरिक एसिड कैसे कंबाइन होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर? तो इसका 2D शीट स्ट्रक्चर टाइप होता है, एक टाइप से लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लेयर स्ट्रक्चर, क्या क्या आ गया, BN, H3BO3, ग्रेफाइट, इन सबका क्या होता है बेटा, लेयर स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में अगर प्रॉपर्टीज देखें, इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड, क्लियर? इट इज लुईस एसिड एंड इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। क्या होता है, जैसे ही हम H3BO3 को वॉटर में डालते हैं तो बेटा बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है, क्लियर? ये क्या करता है, यहां से वॉटर ले लेता है और क्या बन गया, BOH होल 4 माइनस, और एक H+ निकल जाता है। तो ध्यान रखो जी, जो H+ निकला ये कहां से निकला, ये निकला पानी से। तो H3BO3 इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये वॉटर में वॉटर के साथ रिएक्ट करके उससे OH ले लेता है, इज इट क्लियर? और H+ रिलीज कर देते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं इट इज लुईस एसिड, इट इज नॉट अर्हीनियस, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बोरिक एसिड के कुछ रिएक्शन देखो, क्या दिए हुई है रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन बेटा अभी पढ़ते आ रहे हैं, उनको हम फिर से नहीं देख रहे। BX3 की हाइड्रोलिसिस, पानी डाला बोरिक एसिड बन गया, क्लियर? हमने बोला B2H6 की हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बोरिक एसिड ही बनेगा। नेक्स्ट बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस, ये हम देखेंगे बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस से भी क्या बनता है, H3BO3, या फिर बोरेक्स में हम एसिड डाल दें, समझ आया? बोरेक्स में हम एसिड डाल दें, तो अगर हम देखेंगे ना, बोरेक्स इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ NaOH और इट इज अ सॉल्ट ऑफ NaOH एंड बोरिक एसिड, समझ आया? NaOH विल रिएक्ट विद H2SO4,
समझ आया? तो क्या बन जाएगा, जैसे हम सॉल्ट के रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या मिल जाता है, बोरिक एसिड। तो ये कुछ प्रिपरेशन थी, जो ये चारों प्रिपरेशन थी, तो एक टाइप से हमने H3PO3 जो बनाया है कैसे बनाया, वाटर डाल के, क्लियर। अब जो इसके रिएक्शन है H3PO3 के रिएक्शन विद NaOH एसिड बेस रिएक्शन, क्लियर, वाटर के साथ अभी देख चुके हैं, क्लियर। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, इट एलिमिनेट्स वाटर, और क्या बन गया, क्या बन गया हमारा, मेटाबोरिक एसिड बन गया। ध्यान रखना किसी भी एक एसिड में से अगर हम H2O निकालते हैं तो क्या बन जाता है, मेटा, और उसको हमने फर्दर हीट किया, फर्दर हीट किया तो क्या बन गया, B2O3, क्लियर, पानी निकल गया। अब बोलोगे इसमें से कैसे पानी निकल गया, तो बेटा दो मॉलिक्यूल्स ले लो, वाटर एलिमिनेट करोगे तो क्या बन जाएगा इसका, एनहाइड्राइड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3PO3 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हीट करोगे वाटर एलिमिनेट होते रहेंगे, पहले मेटाबोरिक एसिड बन गया और फिर क्या बन गया हमारा, B2O3, दैट इज एनहाइड्राइड, क्लियर। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, कौन सी, बोरिक एसिड के रिएक्शन विद मीथेनॉल, तो मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ट्राइमिथाइल बोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक टाइप से टेस्ट हो गया, और इस क्या बनता है, इट वी गेट ग्रीन एच फ्लेम, कुछ इसी टाइप की फ्लेम मिलती है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और H3PO3 के रिएक्शन विद HF वी गेट HBF4, ये जो आगे हमने स्टार्टिंग में किया था याद होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3, याद आया कि BF3 से क्या बनना चाहिए था, बोरिक एसिड और HF, लेकिन वो फिर से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना देगा, HBF4, क्लियर। तो H3PO3 के रिएक्शंस आई थिंक इस टाइप से अगर करोगे तो बेटा लर्न हो जाएंगी, ट्राई टू समराइज कंपाउंड्स, ट्राई टू समराइज प्रॉपर्टीज, जैसे अभी हमने हाइड्रोलिसिस एक प्रॉपर्टी समराइज कर ली थी, इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को भी हम समराइज कर लेंगे, जितने पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं उन सब हाइड्राइड्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, क्लियर, वो पार्ट टू में पढ़ेंगे जब पी ब्लॉक के नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्लियर। तो ट्राई टू समराइज पी ब्लॉक, उतना ही ईजी हो जाएगा इस टॉपिक को लर्न करना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड विद NaOH, क्या होता है इसमें, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो जो वीक एसिड होते हैं बेटा एंड पॉइंट उतना प्रॉपर नहीं आता, क्लियर, तो एंड पॉइंट प्रॉपर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड ऐड करते हैं जिससे बोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाए, क्या होगा, वी प्रेफर टू ऐड सिस डायोल्स। देखो जैसे पहली रिएक्शन है, क्लियर, मान लो बहुत सारे बोरिक एसिड लिए, क्लियर, मैंने कुछ 10,000 बोरिक एसिड ले लिए, उसमें से हार्डली 1,000 बोरिक एसिड रिएक्ट किए, तो मतलब H+ बहुत कम आए होंगे, क्लियर। तो अगर मुझे बाकी बोरिक एसिड इस रिएक्शन को आगे कराना है तो अपना क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, ली चैट लिया कि किसी तरह अगर हम प्रोडक्ट कम कर दें तो ये रिएक्शन आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने करा दी बेटा सिस डायोल। सिस डायोल क्या होता है, इन विच बोथ OH आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ये क्या करता है, इस केस में यहां से वाटर निकल जाते हैं, वाटर निकल गए और ये क्या बन गया, कुछ इस टाइप का साइक्लिक रिंग बन जाती है, क्लियर। और ये जो कंपाउंड हुआ ये क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ये स्टेबल होगा तो ये सेपरेट होता रहेगा और ये रिएक्शन और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो इसका मतलब H+ सफिशिएंट आते रहेंगे एंड बोरिक एसिड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि बोरिक एसिड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, क्लियर, तो क्या आ जाएगा, सिस डायोल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, बोरेक्स। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, क्या ध्यान रखोगे, बोरेक्स के केस में जो दो बोरोन है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और जो बाकी दो बोरोन है बेटा दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज Na2b4o7.10h2, दिस इज बोरेक्स, क्लियर। और क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं Na2
बी फोर ओ फाइव ओ एच ओ हॉल फोर डॉट एट एच टू ओ। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो बोरॉन हमारे क्या है sp2 और दो बोरॉन हमारे क्या है sp3। और sp3 देखते ही क्लियर हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल है इट इज नॉट प्लेनर। क्लियर? अब अगला क्या दिया हुआ है, जो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा वो क्या होता है, बफर। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बफर। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, जैसे बोरेक्स की रिएक्शन वाटर के साथ कराई क्या बना, बोरिक एसिड और क्या बन जाएगा, सॉल्ट बी ओ एच होल फोर माइनस। क्लियर? ये क्या है, सोडियम सॉल्ट। तो ये क्या आ गया हमारा एक टाइप का बफर, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और जो अगली रिएक्शन है ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड में क्या हो गया, जैसे इसको हीट करोगे फर्स्ट स्टेप में हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाएगा, और जैसे हमने इसको फर्दर हीट किया तो ये क्या बन गया, NaBO2 plus B2O3। क्लियर? तो इस रिएक्शन को भी लर्न कर लेना, हीटिंग इफेक्ट कौन कौन से पढ़ लिए, बोरिक एसिड का और दूसरा हमने पढ़ लिया बोरेक्स का। क्लियर? तो बोरेक्स की ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आ सकता है जैसे कि बोरेक्स में कितने बोरॉन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो नो डाउट दो ही बोरॉन होंगे क्योंकि बाकी दोनों तो sp3 है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इज बेटा AlCl3। तो देखो AlCl3 की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखो कि AlCl3 भी क्या बनाता है हमारा, डाइमर, जैसे BH3 बनाता था। क्लियर? और इस केस में जो हमारी एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन है ये भी क्या हो गई, sp3। इज इट क्लियर? और ये जो हमारा ब्रिज बॉन्ड होगा, इस टाइम जो ब्रिज बॉन्ड होगा इट इज नॉट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, Here it is three center, four electron. समझ आया? ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो bridge bond होगा, this is three center, four electron. Reason being, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में दे रहा है, तो दो तीन सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार। तो अगर जो ब्रिज एटम है उसके पास लोन पेयर हुए तो वहां पर थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बनेगा, और अगर लोन पेयर नहीं हुआ जैसे हाइड्रोजन हुआ तो वो क्या बनाएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? तो यहां हमने क्या देख लिया, बोथ द एल्यूमिनियम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नहीं यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर? इट इज नॉट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। नेक्स्ट, इन एक्वस सॉल्यूशन इट एग्जिस्ट एज AlS2O whole 6 3 plus. Clear? तो हमने Al2Cl6 का स्ट्रक्चर देख लिया, पूछ सकता है यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, चार। समझ आ गया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, एंड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड आ गए बेटा, दो, देयर इज टू ब्रिज बॉन्ड एंड बोथ एल्यूमिनियम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमने क्या देखा है, बोरॉन। तो बोरॉन फैमिली मेनली बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, तो मेनली आई थिंक कंपाउंड्स क्लियर हो गए। ट्राई टू समराइज देम, B2H6, H3BO3, बोरेक्स, इनकी समरी बना लो एक पेज में, और रिएक्शंस इसी टाइप से कर लो, प्रिपरेशन और रिएक्शन एक ही पेज पर लिख लो, हाइड्रोलिसिस एक पेज पर लिख लो, और जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हाइड्राइड्स वो सब हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन। कार्बन फैमिली में मेनली क्या देखोगे बेटा, एक तो एलोट्रॉप्स और एक सिलिकेट्स, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। क्लियर? और फ्यूलरीन के बारे में ये जो रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें क्या होते हैं, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन। क्लियर? लर्न करना है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज वाइज देखें तो ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, 3D। क्लियर? डायमंड का स्ट्रक्चर तो क्लियर है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, आई थिंक इसमें ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करना। ग्रेफाइट का क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? और दो लेयर के बीच में क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस।
ये क्या हो गई हमारी वैन डर वाल फोर्सेस, समझ आ गया? तो ये एक बार पढ़ लेना। और ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म। आगे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो डाउट ग्रेफाइट की ज्यादा है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद होगा इट इज यूज एज लुब्रिकेंट ऑल्सो, स्लिपरी है, क्लियर। और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वो डायमंड की ज्यादा होती है। डायमंड इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज मोर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, क्लियर, समझ आ गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन देख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमने क्या देख लिया, डायमंड का ज्यादा होगा। ये दो डाटा गिवन है तो देख सकते हो, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो कम रिएक्टिव होगा, और जितना वो कम रिएक्टिव होगा इसका मतलब बहुत कम क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इज इट क्लियर? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी डेंसिटी कम। ग्रेफाइट में देख सकते हो वॉल्यूम ज्यादा है बिकॉज ऑफ वॉइड्स, स्पेस ज्यादा है, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और ये क्या आ गया हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो हमें ग्रेफाइट और डायमंड आई थिंक दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या है, सिलिकेट्स। देखो वी हैव नंबर ऑफ सिलिकेट्स, और सिलिकेट्स का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO4 4-, क्लियर। और अगर हमने दो सिलिकेट्स लिए, समझ आया, उससे हमारा क्या बन जाता है, पायरोसिलिकेट। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे नीचे ड्रॉ किया। पायरोसिलिकेट में क्या हुआ बेटा, दो सिलिकेट हमने लिए और एक ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। यहां पे देख सकते हो 2 tetrahedra ज्वाइन बाय 1 oxygen, तो इस केस में क्या बन जाता है, पायरोसिलिकेट, क्लियर। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Si2, समझ आ गया, O7। तो पायरो का मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। नेक्स्ट है साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक में क्या हो गया, एक टाइप की साइकिल बन रही है देख सकते हो, और एक टेट्राहेड्रा कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, 2, क्लियर। तो देखो जो ऊपर टेबल बनाया हुआ है ये तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, सिलिकेट्स एक पेज में ही आ गए, तुम्हें इतने स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, ऑर्थोसिलिकेट 0, पायरोसिलिकेट नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 1, अभी याद किया था, साइक्लिक सिलिकेट नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 2, अरे याद आ गया, चेन सिलिकेट अगेन नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 2, डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट में कितने होते हैं, 2.5। एक बार देख लेते हैं डबल चेन सिलिकेट, देखो डबल चेन सिलिकेट इस केस में क्या आ गया, अगर हम पहला टेट्राहेड्रा दे जिसपे रेड मार्क किया हुआ है तो कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, 2, क्लियर। और दूसरा टेट्राहेड्रा देखे तो जो बीच में है, क्लियर, इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, 3। तो पहले वाले के 2 शेयर हो रहे थे और दूसरे वाले के 3 शेयर हो रहे थे, तो बेटा ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 2.5, क्लियर। डबल चेन मतलब बस 2 चेन है। अब इसी टाइप से 2D का मतलब ये शीट चलती जा रही है, कंटिन्यूएशन में है 2D, तो इसका मतलब एक टेट्राहेड्रा कितने ऑक्सीजन शेयर करेगा, 3, हर एक प्लेन में। तो देख सकते हो एक प्लेन में तीनों के तीनों ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। और जो हमारा 3D होगा, 3D में का मतलब क्या हो गया, सिलिकेट 3D हो गया, sp3 है, तो मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर्ड है, क्लियर। तो देखो हमें एक चीज क्लियर हो गई, डबल चेन सिलिकेट 2.5, 2D सिलिकेट नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 3, 3D शीट सिलिकेट नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितना आ गए हमारे, 4, क्लियर। तो अब इनका फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, याद होगा इसका देखा था Si2O7 6-, अब इसको भी हम बना सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया नीचे, क्या आ गया, सिलिकेट्स का एक जनरल फॉर्मूला हो गया SiO4-X/2-4+X, here X is number of shared oxygen। पहला एग्जाम्पल देखे पायरोसिलिकेट, N की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आ गया SiO4-1/2, समझ आया। तो ये क्या आ गया SiO4-1/2 और ऊपर क्या आ गया -2,
इज इट क्लियर? समझ आया? तो इस केस में x की वैल्यू क्या है? 1। समझ आया? इसी टाइप से अगर नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन क्या है हमारे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? SiO 4 माइनस 2/2, ऊपर क्या आ गया बेटा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? SiO 3 और ऊपर क्या आ गया? माइनस 2। इज इट क्लियर? तो आई थिंक यहां तक कुछ चीजें क्लियर हो गई कि कैसे करना है हमें स्ट्रक्चर। यहां पर सॉरी इधर क्या आ गया? माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। समझ आ गया? तो इस केस में एक जनरल फॉर्मूला ये आ गया, एन का मतलब हो गया कितने हमने एन लिए, कितने सिलिकेट्स लिए। जैसे इसको भी अगर करोगे, ये क्या आ गया? Si2O7, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 6। ये वाला 2 हम ऊपर देगा। आई थिंक अब ये फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? 3D शीट सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन है? 4। तो ये क्या आ जाएगा? SiO4 माइनस 4/2, मतलब 2। समझ आ गया? क्लियर? तो इसका क्या आ गया हमारा? SiO2। तो हमें यहां तक क्या समझ आ गया कि जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन। तो अगेन पायरो में नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 1, साइक्लिक में नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 2। क्लियर? डबल चेन में इट इज 2.5, 2D शीट सिलिकेट इट इज 3, एंड 3D शीट सिलिकेट इट इज 4। तो यहां तक हमारा सिलिकेट्स एक पेज में समराइज हो गया। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम सारे। तो मेनली ग्रुप 14 में क्लियर हाइड्राइड्स हम एक बार बाद में देख लेंगे जब प्रॉपर समराइज करेंगे, बट बेसिक पार्ट्स हम ग्रुप 14 का देख चुके हैं। क्या? एक तो सिलिकेट्स और एक हमने क्या देख लिया? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट जो हम देखो कुछ मेन टॉपिक्स देख रहे हैं पी ब्लॉक के, जैसे ग्रुप 15। ग्रुप 15 में सबसे पहला कंपाउंड आ गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ये जो दो रिएक्शन गिवन है, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके या फिर अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके, हमें क्या मिल जाता है? वी ऑलवेज गेट N2। देखो एक बार ध्यान से क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखना, किसी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, एज वी हीट सम अमोनियम सॉल्ट, तो होता क्या है, दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। क्या? या तो हमें N2 मिलेगा बेटा, या फिर वी कैन, हो सकता है कि हमें एक अमोनिया मिल जाए। कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि N2, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज अमोनिया। समझ आया? क्या? जैसे हमने इसको नॉर्मल हीट किया, तुमने बोला NH3 प्लस HX। समझ आया? NH3 प्लस HX। तो अब इस केस में क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो हो गया NH3 और दूसरी क्या होती है बेटा? N2 या फिर N2O। वो किस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा? वो डिपेंड करेगा हमारे एक्स पर। कि अगर एक्स हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? N2 में। समझ आया? तो हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, एक तो हो गया अमोनिया और दूसरा क्या हो गया? N2। क्लियर? तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो क्या बनेगा? N2। जैसे NH4NO2, हमने इसको हीट किया, क्या बनेगा? N2 प्लस, रिएक्शन कैसे लिखोगे? वाटर एलिमिनेट कर दो, तो कितने वाटर आ जाएंगे बैलेंस करने के लिए? 2। अब जैसे मैंने लिया बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट किया, एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग, हमने बोला N2 बनेगा प्लस वाटर, वाटर कितने आ जाएंगे इस केस में? 4। अब क्या रह गया इसमें? रह गया Cr2O3। समझ आ गया? नेक्स्ट, इफ आई एम टेकिंग अमोनियम नाइट्रेट, तुमने बोला N2 प्लस 2H2, एक ऑक्सीजन रह जाएगा, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है? N2O। तो हमें ये समझ आ गया N2O कब बनता है? N2O बनता है बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर?
अब अमोनिया कब बनेगा? अगर एनायन हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, जैसे इफ आई एम टेकिंग NH4Cl, हीट करते ही, क्लियर? तो यहां से हमें एक टाइप की, सोचो कितनी रिएक्शन पड़ चुके हैं, अमोनियम सॉल्ट्स को हमने हीट करना आ गया, हमें अमोनिया की प्रिपरेशन आ गई एंड हमें N2 और N2O की भी प्रिपरेशन आ गई, क्लियर? तो ये एक पार्ट हो गया। तो N2 की दो प्रिपरेशन तो समझ आ गई अब सबको, कौन कौन सी? एक हम देख चुके हैं अमोनियम नाइट्राइड को हीट करके और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके, क्लियर? अगला क्या हो गया? नेक्स्ट इज बाय हीटिंग बेरियम अजाइड। तो बेरियम अजाइड को जब हम हीट करते हैं तो ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है बेटा, यहां से हमें बहुत प्योर N2 मिलती है, क्लियर? वी गेट वेरी प्योर N2, समझ आ गया? अब नाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस, नाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस अगर हम देखें तो इस केस में क्या आ जाएगा? कैल्शियम के साथ क्या बन जाएगा? मेटल के साथ नाइट्राइड। और एक रिएक्शन और भी बताए, अगर इस नाइट्राइड की मैंने हाइड्रोलिसिस करा दी, जो पढ़ चुके हो, तो क्या बन जाएगा बेटा? अमोनिया। तो तुम्हें अमोनिया की दो प्रिपरेशन आ गई, क्लियर? और N2 के रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान रखना इट गिव CaNCN प्लस कार्बन, दैट इज नाइट्रोलिम, आल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, क्लियर? उसके मैकेनिज्म पर नहीं जाना। और एक रिएक्शन और होती है NH3 प्लस Cl2, हेयर ऑल्सो क्लोरीन ऑक्सीडाइज अमोनिया, क्लियर? और क्या बन जाता है? N2, समझ आ गया? तो मेनली जो रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये दोनों हीटिंग इफेक्ट याद रखना और एक बेरियम अजाइड का हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली आ सकता है, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेरियम अजाइड। तो अगेन हमने N2O का ऐसे चार्ट बनाया, एक पेज पर चार्ट बनाओ, रिएक्शन दो तीन बार देखो, याद हो जाएंगे। और देखो इस टाइप से मत करो, कुछ जनरलाइज कर लो, जैसे N2 कैसे बनेगी? N2 बनेगी बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स, N2 बनेगी बाय हीटिंग बेरियम अजाइड्स, दैट्स इट, इतना भी याद है बहुत है, मेनली यही रिएक्शन आ रही होती है। B2H6 कैसे बनेगा? B2H6 बनाने के लिए अलग अलग रिएक्शन में देखो हमने क्या यूज किया था, हाइड्राइड, BF3LiLH4, BF3NaF, NaH, समझ आ गया? बोरिक एसिड पानी के साथ रिएक्शन, बोरिक एसिड बन गया। जब तुम जनरलाइज कर लोगे तो आई थिंक पी ब्लॉक में दिक्कत नहीं आएगी, इज इट क्लियर? तो हमने जो प्रिपरेशन आज पढ़ी है, B2H6, बोरिक एसिड, नाइट्रोजन, कुछ जनरल प्रिपरेशन आ गई है, क्लियर? आगे देखें, ये तो देख चुके हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें अमोनिया, अमोनिया की अगर हम प्रिपरेशन देखें तो अमोनिया की भी अभी याद होगा दो प्रिपरेशन तो देख चुके हैं, क्या कि नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस इट विल गिव अस अमोनिया, एंड और क्या देख चुके थे वो तो अभी यहां पर लिखा भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हमने क्या रिएक्शन पढ़ी थी? अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट, इज इट क्लियर? समझ आ गया? और क्या कर सकते हो बेटा, एक रिएक्शन और आ जाएगी, क्या? यूरिया की हाइड्रोलिसिस, याद रखना NH2CONH2। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो मैंने जो याद किया हुआ है इट गिव्स अमोनिया प्लस CO2, याद किया हुआ है इस टाइप से, क्लियर? वही जो तुम्हें बताया कि कैसे याद किया हुआ है। तो जब अमोनिया की प्रिपरेशन की बात है तो हमें क्या क्या याद रखना है, एक तो आ गया हमारा यूरिया, एक आ गया हमारा अमोनियम सॉल्ट्स, इज इट क्लियर? और एक आ गए हमारे क्या, नाइट्राइड्स, इज इट क्लियर? अब एक दो प्रिपरेशन यहां पर और दी हुई है, जैसे क्या दिया हुआ है, अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन विद बेस, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्लियर? इसको भी एज अ रूल ही याद रख लो कि जब हम अमोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, H+ ले जाएगा और क्या बन जाएगा, अमोनिया। समझ आया? तो हमें अमोनिया बनाने के लिए पहले से ही पता था तुम्हें NH3 बनाना है, नाइट्राइड से पानी डाल दो, क्लियर? अमोनियम सॉल्ट्स में क्या डाल दो, बेस डाल दो, यूरिया की हाइड्रोलिसिस एंड सो ऑन। जहां तुम हाइड्रोलिसिस का चार्ट बनाओगे बेटा वहां पर यूरिया की भी हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो, इज इट क्लियर? जो पहले हमने बनाया था, जैसे सल्फाइड के हाइड्रोलिसिस से H2S बनेगा तुम्हें याद है,
क्लियर। अब एक प्रिपरेशन और है जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, हेबर्स प्रोसेस, N2+3H2 gives 2NH3। क्लियर। रिएक्शन टेक प्लेस। अब एक बार पहले खुद सोचो, अगर हम इस रिएक्शन को सोचें, इट इज 2NH3, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर। तो मेनली जो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक है, तो कब फेवर हो रही होगी? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इज इट क्लियर? तो बहुत बार विजुलाइज ही नहीं करते, प्रेशर ठीक है बट टेम्परेचर तो बहुत हाई है, समझ आए? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, होता क्या है? देखो खुद सोचो, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर क्या दिया हुआ है बेटा? रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, समझ आए? जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते थे कि कुछ रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, N2 और H2 आपस में बैठे हुए हैं, ऐसे आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि N, याद करो, ड्यू टू हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 एंड हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, ये इतना इजिली रिएक्ट नहीं कर पाते। तो पहले N2 और H2 के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है। क्लियर। तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 700 केल्विन के आसपास होता है, प्रेशर इज 200 atm, और आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। क्लियर। तो अमोनिया को बनाने के प्रिपरेशन मेथड क्या क्या आ गए? हाइड्रोलिसिस। किसकी हाइड्रोलिसिस? यूरिया की हाइड्रोलिसिस। क्लियर। नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स में हमने क्या डाल दिया? बेस। और लास्ट क्या हो गया? हेबर्स प्रोसेस। क्लियर। एक रिएक्शन और होती है जो हमने यहां से याद होगा, ये पहले रिएक्शन में बनाया था, CaC2+N2, इट गिव्स CaNCN+N, नाइट्रोलियम। इसकी हाइड्रोलिसिस से भी क्या बन जाता है बेटा? अमोनिया। क्लियर। याद रख सकते हो तो इट्स गुड, बट मेन बाकी रिएक्शंस अभी याद रखना मेंस के लिए। क्लियर। अगला क्या दिया हुआ है? अमोनिया की रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अमोनिया की रिएक्शन विद ऑक्सीजन इट गिव्स NO। क्लियर। ये क्या थी हमारी? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये यूज होता है आगे ऑस्वाल्ड रिएक्शन में, कि अमोनिया के रिएक्शन विद O2 इट गिव्स NO। क्लियर। और सोडियम के साथ क्या बन जाता है? NaNH2। इज इट क्लियर? तो मेनली ये जो रिएक्शन ये हुई है, प्रिपरेशन आई थिंक अब याद हो गई होगी, ये याद रखना, और रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया की रिएक्शन की बात करें तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ लीगेंड, जो कोऑर्डिनेशन में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। इट इज ऑल्सो यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, करते हो ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? अमोनिया इज यूज एज अ रिएजेंट। क्लियर। आगे क्या दिया हुआ है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मेनली अगर हम देखें N2 और NO, जो ये दो शुरू में जो ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, ये हमारे क्या होते हैं? दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। क्लियर। और जितना हम नीचे आ रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा? एसिडिक। क्लियर। अब एक आध रिएक्शन वैसे बता सकते हो, N2O3 में अगर हम बोले, मैंने N2O3 में वॉटर डाल दिया, सीधा बोल दो HNO2। N2O5 में वॉटर डाल दिया, HNO3। N2O5 में NaOH डाल दिया, अरे समझ आ गया? अगर मैंने इसमें NaOH डाल दिया तो क्या बन जाएगा? NaNO3। समझ आया? क्लियर। तो स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेना, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, किस में NON लिंकेज है? N2O5। किस में NN लिंकेज है? तो NN लिंकेज किस में होती है? एक तो N2O4, वो डाइमर है NO2 का, N2O3 में भी NL लिंकेज है और N2O में भी NL लिंकेज है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। क्लियर। कलर की बात आएगी तो NO2 इज ब्राउन कलर्ड, N2O3 इज ब्लू कलर्ड, इसके अलावा बाकी सब कलरलेस है। क्लियर। NO2 जनरली याद रहता है, N2O3 को भी याद रख लेना, इट इज पेल ब्लू लिक्विड। बाकी सारे हमारे क्या है? बाकी सब क्या है? कलरलेस है। क्लियर। तो एक टाइप से ऑक्साइड्स हमने देख लिए, ऑक्साइड्स में क्या ध्यान रखना है? क्लियर। एक तो इनका कलर, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें NN लिंकेज है, किसमें NON लिंकेज है।
क्लियर, और कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल है, कौन से ऑक्साइड, जैसे देखे और इन ऑक्साइड्स की हमने वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, इज इट क्लियर। तो हमें N2O बनाना आ गया, याद करो अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया था, NO भी बनाना आ गया अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्लियर। NO2 आज हम देखेंगे, नाइट्रेट्स को हीट करते हो तो NO2 बनता है, याद करो एस ब्लॉक में भी था सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं इट गिव्स NO2, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं इट गिव्स NO2, क्लियर। तो हमें एक टाइप से ऑक्साइड्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चल गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट हमारा आ गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्लियर। इस केस में क्या होता है, पहले अगर हम देखें इसके प्रिपरेशन, तो जो इसका इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज ऑस्वर्ड प्रोसेस। देखो फालतू का नाम है, क्या था इस प्रोसेस में, पहले हमने क्या बना दिया NO, हमने इसकी उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की, क्या बन गया NO2, और इसकी हाइड्रोलिसिस करके क्या आ जाएगा HNO2 प्लस HNO3, क्लियर। और HNO2 क्या होता है, अगर याद हो ये बेटा स्टेबल नहीं होता, इट हैज टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है इन HNO3 एंड NO, तो एक टाइप से फिर से HNO3 बन गया, फिर से NO आ गया, और ये क्या हो जाएगा, एक टाइप से फिर से साइकिल चलती रहेगी, क्लियर। तो हमें एक टाइप की क्या आ गई, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन आ गई, इज इट क्लियर। क्या हमने किया, पहली रिएक्शन पढ़ चुके हो, NO का ऑक्सीडेशन NO2, NO2 की हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शंस भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक ध्यान रखना है, HNO2 हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट, ये क्या बना देता है HNO3, क्लियर। तो हमें एक रिएक्शन आ गई, अगला क्या दिया हुआ है, नाइट्रेट की रिएक्शन विद H2SO4, अरे नो डाउट सॉल्ट की रिएक्शन विद H2SO4 क्या बनेगा, HNO3 प्लस K2SO4, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये रिएक्शन, क्लियर। अगला क्या दिया हुआ है, HNO3 की रिएक्शन विद H2SO4, प्रिपरेशन तो समझ आ गई सबको। अब ये रिएक्शन दी हुई है जो हम पढ़ते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद करो समझ आ गया क्या बन जाता है, NO2 प्लस, फिर इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं और क्या बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या था, कॉन्क HNO3 एंड H2SO4, क्लियर। अब ये जो रिएक्शन दी हुई है बेटा Fe2+ को Fe3+ में, ये सारी रिएक्शन हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई हमारी इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ये जब स्लाइड्स मिल जाएंगी तो तुम देख सकते हो, इसको सिंपल समराइज किया हुआ है कि HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर दिखाया हुआ है कि Fe2+ को ऑक्सीडाइज किया हुआ है, H2S को ऑक्सीडाइज किया हुआ है, क्लियर। तो H2S को जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट ऑक्सीडाइज इनटू कोलाइडल सल्फर, क्लियर। अब यहां जो रिएक्शन दी हुई है, यहां पर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ HNO3 विद नॉन मेटल। ध्यान रखना HNO3 नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, ऑक्सी एसिड, और कौन सी ऑक्सी एसिड, इन एक फॉर्म, लाइक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया H2CO3, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया H2SO4, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया HIO3 आयोडिक एसिड, और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दिया H3PO4, क्लियर। तो हमें क्या आ गया यहाँ से, मेनली नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस आ गई, उसकी प्रिपरेशन एंड उसकी रिएक्शन, इतना हमें समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो नाइट्रिक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शन है, क्लियर हो गया। और इट नाइट्रिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट, इट गिव्स NO2+O2। तो आई थिंक यहां तक हमें नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन समझ आ गई कि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ क्या कर देता है, इट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल टू ऑक्सी एसिड ऑफ एक फॉर्म। सिमिलरली ये क्या करेगा, अपने मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरह शो कर रहा है, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया Fe3+ में, H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया कोलाइडल सल्फर में, क्लियर हो गया, समझ आया। अब हम आगे देखें नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। तो देखो अभी हमने क्या देखा, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स, और क्या देखा हमने, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद
रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 की जो मेजर रिएक्शन है, एक तो उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्लियर, और दूसरा क्या आ गया जो HNO3 की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आ जाता है कि इसके नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है, और तीसरा कि HNO3 मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्लियर। तो मेटल के साथ क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो कॉन्क HNO3 अगर ले रहे हैं तो बेटा ये क्या बनता है, NO2, इट गिव्स मेटल नाइट्रेट प्लस NO2। हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो डाइल्यूट HNO3 क्या बनाएगा, ध्यान रखना जो हाइड्रोजन से नीचे है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो बनाते हैं NO, और आयरन और जिंक क्या बनाते हैं, N2O, क्लियर। वेरी डाइल्यूट के केस में जो हमारे हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, क्लियर, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। मतलब हमने क्या बोला है इन शॉर्ट कि जितने मेटल हाइड्रोजन से नीचे ये क्या करेंगे, कॉन्क एसिड के साथ ये क्या बना देंगे, NO2, और डाइल्यूट के साथ ये क्या बनाते हैं, NO। और सिमिलरली अगर हमने लिया बेटा आयरन जिंक, कॉन्क के साथ क्या बनाएगा, NO2, और डाइल्यूट के साथ क्या बनाएंगे, N2O, और वेरी डाइल्यूट के साथ अगर हमने ले लिया वेरी डाइल्यूट तो क्या बन रहा है, ये क्या बनाता है वेरी डाइल्यूट के साथ, अमोनिया, समझ आया, NO2 N2 और अमोनिया, देख सकते हो N2O और ये क्या दे रहा है, अमोनिया, इज इट क्लियर, समझ आया। तो N2O और अमोनिया, अब कई बार अमोनिया की जगह क्या दे देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो देखो अमोनिया और HNO3 भी प्रेजेंट होगा कंटेनर में, और अगर अमोनिया भी बन गया और HNO3 पहले से ही प्रेजेंट होगा कंटेनर में, तो बेटा HNO3 और अमोनिया एसिड और बेस कहीं ना कहीं रिएक्ट करके क्या बना देंगे, अमोनियम नाइट्रेट, क्लियर। और एक दो एग्जांपल ये याद रखना कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये एक एक्सेप्शन आ जाता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज विद वेरी डाइल्यूट ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन। जैसे नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होती है कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन, क्लियर। और यस, कुछ मेटल्स हैं जो पैसिव होते हैं विद HNO3, जो रिएक्ट नहीं करते, तो कौन से मेटल होते हैं, द मेटल्स विच आर पैसिव टुवर्ड्स कॉन्क HNO3, क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, क्लियर, ये कुछ मेटल्स होते हैं। तो मेनली क्या आ गया हमारा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। इसको याद रखने के लिए सिंपल, फैको नहीं करा रहे आलू, क्लियर। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, दीज मेटल्स आर व्हाट, दीज आर पैसिव टुवर्ड्स कॉन्क HNO3, क्लियर। तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हमने मेटल्स के साथ देख ली, हमने नॉन मेटल्स के साथ देख ली, क्लियर, और हम क्या देख चुके हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो मेनली नाइट्रिक एसिड की इतनी ही रिएक्शन है, क्लियर। तो मेटल्स के साथ ध्यान रखना कब NO2 बनता है, क्लियर, हाइड्रोजन से जो नीचे है, कॉपर की बात करें वो क्या करते हैं, NO2, डाइल्यूट के साथ NO, वेरी डाइल्यूट के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता, समझ आ गया। हाइड्रोजन से जो जनरली ऊपर है NO2, N2O और अमोनिया, मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या बनाते हैं, H2, क्लियर। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, लैब में किया होगा कभी, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हम क्या रिएजेंट लेते हैं, जैसे कभी लैब मैनुअल लिखते हो ना, क्या होता है मटीरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या होता है, FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, प्लस नाइट्रेट आयन, राइट, जिसका एनालिसिस कर रहे हो, और ऊपर से हम क्या ऐड करते हैं, याद होगा करते थे ना, कॉन्क H2SO4 फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्यूब, क्लियर। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको करते हैं तो क्या बन जाता है, एक जंक्शन पर ब्राउन, क्या बन जाता है, ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, देखो अब इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, Fe2+ और नाइट्रेट, क्लियर। इस केस में H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, नाइट्रेट क्या करेगा Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, Fe3+ में, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा NO में, क्लियर। अब क्या होता है, जो कुछ बचे हुए Fe2+ होते हैं, जो बचे हुए Fe2+ हैं वो NO के साथ रिएक्ट करते हैं, समझा, और NO इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, NO इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ NO+। बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना, NO इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो उसके क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो NO+ बन जाए। तो ये क्या करता है, NO एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Fe2+ को, और खुद किसमें चेंज हो जाता है, NO+ में, और क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Fe H2O 5 NO। इस केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, NO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो ये पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, इट इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। देखो अगर हम एक जनरल बोले, जैसे मैंने बोला बेटा लेड नाइट्रेट को हीट किया, क्या देगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2+O2। तो एक जनरल हो गया, नाइट्रेट्स को हीट करते हैं, इनके ऑक्साइड प्लस NO2+O2। हमने सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया, ये क्या देगा, Ag+NO2+O2। यहां पर ध्यान रखना, कुछ स्पेशल केसेस ही डिस्कस कर रहे हैं, ये तो अपना जनरल हो गया पहला वाला। इस केस में क्या आ गया, हमारा सिल्वर बनता है रेसिड्यू, क्यों, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट याद होगा एल्कली मेटल नाइट्रेट्स, इनका हीटिंग इफेक्ट अलग होता है। तो एक टाइप से तुम्हें NO2 की भी प्रिपरेशन आ गई, क्लियर। इस केस में ध्यान रखना बेटा, एक लिथियम नाइट्रेट है जिसका ऑक्साइड भी स्टेबल होता है, तो इसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, क्लियर। तो जनरल हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट्स क्या आएगा, इट गिव ऑक्साइड प्लस NO2+O2, एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्रेट, वहां पर क्या आ जाता है, सिल्वर, एक्सेप्ट एल्कली मेटल नाइट्रेट, वहां पर क्या आ जाता है, नाइट्राइट्स। एंड If I am using अमोनियम नाइट्रेट, ये हीट करके क्या बन जाएगा, N2O+H2O, याद होगा आज ही पढ़ा है। तो एक हमने जनरलाइज पढ़ लिया, तो इसी टाइप से जनरल कर लो, कार्बोनेट्स को हीट करेंगे इट गिव ऑक्साइड प्लस CO2, अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करेंगे या तो अमोनिया बनता है और N2, आज बहुत सारे पढ़ लिए। नाइट्रेट्स को हीट करते हैं देख चुके हो, और क्या पढ़ा था आज हमने, याद करो, बोरिक एसिड को हीट किया, समझ आ गया, इट गिव्स मेटाबोरिक एसिड एंड देन बोरिक एनहाइड्राइड, क्लियर। HNO2 को हीट किया, इट गिव्स HNO3+NO, HNO2 की डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, क्लियर। तो एक इस टाइप से हमने एक और समरी बना ली, हाइड्रोलिसिस के पहले बना चुके थे, कंपाउंड स्टडी कैसे किया, सेंट्रल पे कंपाउंड लोगों उसके प्रिपरेशन और रिएक्शन वही हमने सारी लिख ली, क्लियर। आगे क्या आ गया हमारा, फास्फोरस। फास्फोरस के देखो तीन एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या आ गया हमारा, सिंपल P4, मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि क्या है, बॉन्ड एंगल समझ आ गया ना, 60 डिग्री, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, और ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रेड फास्फोरस सिंगल चेन होती है, और अगर हम ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो क्या बनता है, लेयर बनता है,
तो सबसे कम रिएक्टिव क्या है? ब्लैक फॉस्फरस. सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? ब्लैक फॉस्फरस. क्लियर हो गया? तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा व्हाइट, फिर रेड, और फिर क्या आ गया हमारा? ब्लैक. क्लियर? तो यहां से हम क्या देख चुके हैं? रिएक्टिविटी. इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर की बात करें तो देख चुके हो व्हाइट फॉस्फरस डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स. रेड फॉस्फरस क्या है? पॉलीमोरिक मॉलिक्यूल्स, अरे जो चेन बनी हुई है. और ब्लैक फॉस्फरस क्या होता है बेटा? इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा, बट मेनली इसको याद रखो क्या होता है? एक शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है. सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव. क्लियर? और इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, ये एक बार पढ़ लेना, मतलब नॉर्मल रीड करना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना. क्लियर? तो एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स भी एक बार देख लेना और फॉस्फरस के भी देख लेना. एलोट्रॉप्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं. क्लियर? जैसे कई बार डिफरेंस पूछ लेगा व्हाइट और रेड में, तो क्या आ जाएगा? व्हाइट इज सॉल्युबल इन CH2, रेड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CH2. क्लियर? और मेनली इसके स्ट्रक्चर. क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? P4 की रिएक्शन. तो देखो P4 की अगर हम रिएक्शन देखें तो फॉस्फरस विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम फॉस्फाइड. ऑक्सीजन के साथ नो डाउट ऑक्साइड्स बनेंगे P4O10. अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ N2 तो क्या बनेगा? P4O6. इस केस में क्या हो रहा है? देखो N2 क्या है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में रिएक्शन कहां के रुक गई? P4O6. और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो क्या बनेगा? P4O10. क्लियर? H2SO4, it is acting as an oxidizing agent. क्या बन गया? H3PO4. ये रिएक्शन कुछ वैसे ही हो गई जैसे P4 के रिएक्शन विद CONCH3. याद आया? क्या बन जाएगा? H3PO4. CONCH3 के रिएक्शन विद नॉन मेटल, इट गिव ऑक्सी एसिड इन एक फॉर्म. क्लियर? फॉस्फरस के रिएक्शन विद SOCl2, ध्यान रखना SOCl2 और SO2Cl2 मैकेनिज्म पर कोई नहीं जा रहा, कोई भी नहीं पूछेगा कि कैसे बना प्रोडक्ट. क्लियर? हम PhD नहीं कर रहे हैं तो हमें मेनली क्या याद रखना है कि रिएक्शन को कैसे याद रखा जाए. तो SOCl2 और SO2Cl2 दोनों केसेस में क्या बन रहे हैं बेटा? हैलाइड्स. क्लियर? एक में क्या बन रहा है हमारा? PCl5, और इधर क्या बन रहा है हमारा? PCl3. क्लियर? इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, नीचे वाले केस में क्या आ जाएगी? +6, और यहाँ क्या आ गया? +4. मतलब मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है कि जहां सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट कम है SOCl2, वहां पर PCl3 बन रहा है कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और नीचे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वहां पर PCl5 बन रहा है SO2Cl2. क्लियर? नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NaOH के साथ, क्या बनाएगा ये? PH3+NaH2PO2 डिस्प्रपोर्शनेट. ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं. क्लियर? कि फास्फोरस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन विद NaOH टू फॉर्म PH3+NaH2PO2. ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले. फास्फोरस के रिएक्शन विद क्लोरीन PCl3 या फिर PCl5, एक्सेस में है तो PCl5, लिमिटेड में है तो PCl3. क्लियर? एक्सेस में ऑक्सीजन है तो P4O10, लिमिटेड ऑक्सीजन है तो P4O6. लिमिटेड ऑक्सीजन की जगह वो कई बार क्या लिख देता है? O2 इन प्रेजेंस ऑफ N2. क्लियर? तो ये क्या आ गई हमारी? फास्फोरस की रिएक्शंस. अगला क्या है? इसी टाइप से फॉस्फीन्स की रिएक्शन दी हुई है. फॉस्फीन्स के रिएक्शन में क्या आ गया? देखो नॉर्मल वैसे ही याद रखो, फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस या फिर फॉस्फाइड में एसिड डाल दिया. जैसे अमोनियम सॉल्ट में बेस डालते थे, इसी टाइप से हमने PH4I में बेस डाल दिया. सेम है, कुछ अलग नहीं है. P4 की रिएक्शन में रहने हुए अभी देखा था. क्लियर? और ये कहा जाता है H3PO3 को हीट करके, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है. क्लियर? तो यहां तक हमें क्लियर हो गया. देखो जितने जनरली मिड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है टू डिस्प्रोपोर्शनेट. जैसे वहां पे HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ था, वो क्या बन गया था? HNO3. इसी टाइप से H3PO3 भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और क्या बना देता है बेटा? PH3+H3PO4.
क्लियर, ये भी मिड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया जो बीच वाली रेंज में आ रहा है। क्लियर। अगला पीएच थ्री की रिएक्शन विद सी यू एस ओ फोर, यहां पर क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती है। क्लोरीन के साथ ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना देता है, P2O5। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाता है, P2O5। क्लियर। तो जनरली थोड़ा सा याद रखना, ऑक्सीजन के साथ कुछ ऑक्साइड बन गया याद रखने के लिए, क्लोरीन के साथ PCl3 बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, दोनों के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है तो मेनली इनके स्ट्रक्चर लर्न कर लो, P4O6 एंड P4O10। क्या हुआ इस केस में, पीओपी लिंकेज हो गई, समझ आया, एक टाइप के चार फॉस्फोरस है। पहला वाला स्ट्रक्चर देखोगे और ये चारों फॉस्फोरस ऑक्सीजन से लिंक्ड है, क्लियर, और बीच में एक दो ऑक्सीजन लिंकेज कुछ ऐसे आ गए। और P4O10 में क्या हो रहा है कि बाहर भी चार ऑक्सीजन लग गए। क्लियर। तो ये नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 एंड P4O6। और आई थिंक दोनों की हाइड्रोलिसिस क्लियर होगी, P4O6 की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, H3PO3, P4O10 की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, H3PO4। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड। अगला क्या दिया हुआ है, कुछ P4O6 के रिएक्शन देखो, सिंपल है, P4 के रिएक्शन में O2 क्या बन गया, P4O6। बस पढ़ते रहो, पानी के साथ अभी देखा था सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो P4O10, इसकी हाइड्रोलिसिस की तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड। क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर हम HNO3 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट ऑल्सो, तो क्या कर रहा है, HNO3 में से वाटर निकाल लिया। सिमिलरली यहां भी उसने क्या किया, इन तीनों रिएक्शन में इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर। ये जो रिएक्शन है ये एक मिसिंग हो गई, इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, बट मेनली हमने देख लिया एक इसकी हाइड्रोलिसिस, एक इसका एसिड बेस बिहेवियर और इसका डिहाइड्रेटिंग बिहेवियर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फरस। तो देखो फॉस्फरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं, जो मेन तीन गिवन है, क्या गए, हाइपोफॉस्फरस, फॉस्फरस एंड फॉस्फोरिक। क्लियर। बेसिसिटी की बात करें तो याद होगा कि दे शो एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, इट इज मोनोबेसिक। सेकेंड वाले केस में दो OH है, इट इज डायबेसिक। और थर्ड वाले में तीन OH है तो वो क्या हो गया बेटा, हमारा ट्राइबेसिक। क्लियर। तो अभी हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो क्लियर है, ये तो कर लोगे, बेसिसिटी भी समझ आ गया, मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक। क्लियर। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर किसकी वजह से होता है बेटा, रिड्यूसिंग करेक्टर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। तो जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होगा। कई बार डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। क्लियर। इस केस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा, इसको याद रखना कि एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है, H3PO2। क्योंकि हमें जनरल क्या होता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, लाइक HNO3। बट यहां पर ध्यान रखना H3PO2 इज मोस्ट एसिडिक। इस क्लियर। तो मोस्ट एसिडिक यहां पर क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर। यहां पर क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे
होता क्या है, यहाँ पर क्या है, ये ड्यू टू रेजोनेंस इट इज हाईली स्टेबल, क्लियर। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले केस में क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट वाला केस क्या होता है, मेनली ज्यादा फेवरेबल होता है, और H3PO2 इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। वैसे याद रख लो H3PO2 क्या है, ज्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखो जो इन जनरल जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो क्या होता है, एक एक में से एक ऑक्सीजन कम कर दो क्या बन जाएगा, अस, जैसे फॉस्फोरिक फॉस्फोरस, नाइट्रिक नाइट्रस, अस में से एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो क्या बन जाता है, हाइपो, याद करो क्या था, हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, एक में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो तो क्या बन जाता है बेटा, पर, जैसे क्लोरीन में यूज होता है वो पर क्लोरिक, बट इन जनरल हमारे कहां से शुरू हो जाते हैं, एक से, एक अस हाइपो, एक में से एक वाटर एलिमिनेट कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा, मेटा, जैसे अभी देखा था मेटाबोरिक एसिड, और अगर हमने दो एक ले लिए और उसमें से एक वाटर निकाल दिया तो क्या बन जाता है, पाइरो, क्लियर। जैसे इफ आई एम सेइंग व्हाट इज पाइरो फॉस्फोरिक एसिड, तुमने बोला दो फॉस्फोरिक एसिड लो और उसमें से एक वाटर निकाल दो, मतलब क्या बन जाएगा, H4P2O7, क्लियर। तो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अब जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये तो आ गया फॉस्फोरिक, ये क्या आ गया हमारा, पायरोफॉस्फोरिक, क्लियर। पायरोफॉस्फोरिक क्या हो गया, दो फॉस्फोरिक एसिड को मिला के हमने क्या कर दिया, एक वाटर निकाल दिया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक। मेटाफॉस्फोरिक किस फॉर्म में होता है बेटा, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ चेन और साइक्लिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। इसी टाइप से पायरोफॉस्फोरस क्या हो जाएगा, H4P2O5, दो फॉस्फोरस एसिड लिए, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस, क्लियर। दो फॉस्फोरस एसिड लिए और उसमें से वाटर निकाल दिया। नेक्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक याद करने के लिए क्या करोगे, पायरोफॉस्फोरिक में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या था H4P2O7, उसमें से हमने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन एलिमिनेट कर दिया, क्लियर। तो अब यहां पर अगर कोई पूछे, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या आ जाएगा, इट इज टेट्रा बेसिक, क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, चार OH ग्रुप है, क्लियर, समझ आ गया। तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फोरिक, क्लियर, ये तीनों हो गए। इसके बाद पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरस, इज इट क्लियर। तो ये हमने क्या देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। तो एक टाइप से हम कुछ जनरलाइज तो कर चुके हैं, ऑल दो टॉपिक बहुत बड़ा है, देखो जितना पॉसिबल था हम उतना कर चुके हैं। क्या करोगे अब तुम, जो थोड़ा बहुत समराइज करा लेना, जैसे एक तो आज हमने जो देखा था हाइड्रोलिसिस, जनरल कर लिया, ऑक्साइड सल्फाइड नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, क्लियर। कुछ हीटिंग देख चुके थे, जो नाइट्रेट्स का हीटिंग था, कि नाइट्रेट्स की हीटिंग से क्या बनते हैं, क्लियर। कंपाउंड स्टडी को जनरलाइज कर दूं, कि N2 कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता था, हाइड्रोलिसिस, क्लियर। तो जब तुम इनको समराइज कर लोगे तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें ग्रुप 16 के भी ऑक्सी एसिड्स की प्रिपरेशन पता है, तुम्हें ग्रुप 17 के भी ऑक्सी एसिड्स की प्रिपरेशन पता है, अभी हमने वो ग्रुप डिस्कस नहीं किया। यू कैन प्रिपेयर HClO4, यू कैन प्रिपेयर H2SO4। क्या करना है, ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस, हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस, याद होगा, क्लियर। तुम नेक्स्ट पार्ट में पी ब्लॉक में क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू विद ग्रुप 16, 17 एंड 18, और हाइड्राइड्स को भी हम और समराइज करेंगे, कि जितने हाइड्राइड्स हैं उनको समराइज करके एक साथ डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू समराइज ऑल द स्ट्रक्चर्स, जो जितने ऑक्सी एसिड्स हैं उनको भी, क्योंकि सल्फर के ऑक्सी एसिड्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, क्लियर। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।